हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जा रहे हैं हम फर्स्ट सर्विस कराने अपनी बाइक की। वैसे तो 500 किलोमीटर रिकमेंडेड था, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा हो गया है। एज यू गाइस कैन क्लियरली सी कितना ज़्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 913 किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट डबल हो चुका। तो अब क्या कर रहे हैं, अपना स्टॉक साइलेंसर जो है वो लगवा के चल रहे हैं। ये तो डिफॉल्टर वाला काम है, दूर जा नहीं सकते इससे। बैंड यही लगा रहने देंगे, कोशिश करेंगे इसको ही इसमें फिट कर दें और चलते हैं अपना सर्विस कराने। गाइस अब चेंज हो रहा है साइलेंसर, हम पे घर पे ट्राई करा, इन पर तो हुआ ना, तो अब छोटू पे आ गए हैं मैकेनिक पे। मैकेनिक हमारा साइलेंसर चेंज कर रहा है। चेंज करने के बाद आवाज़ सुनाते हैं गाइस। गाइस अब बाइक स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं कैसी आवाज़ आती है। बैंड चेंज है अपना और स्टॉक साइलेंसर है। बाइक चढ़ चुकी है ऊपर, एज यू कैन गाइस क्लियरली सी। नाउ दे विल बी ड्रेनिंग द इंजन ऑयल, देखते हैं कैसा निकलता है। ऑलमोस्ट निकल ही चुका है। जब पानी टाइप निकल रहा है तो रॉयल इनफील्ड वाले एडवांस होते जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक बाइक भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। एज यू गाइस कैन क्लियरली सी इसमें अभी इलेक्ट्रिक मोटर फिट होने वाली है। अब ये रॉयल इनफील्ड की जगह बस रॉयल नहीं रहेगी, एनफील्ड इनफील्ड रह जाएगी। हमारा तो झोटा अलग है। ऐसे इसका पीछे का टायर देख के शर्मिंदगी होती है, आगे से तो ठीक ही लगता है, नो डाउट। देख लो इंजन वगैरह, इंजन नहीं इंजन ऑयल बह रहा है। वहाँ एक मीडियोर खड़ी है 650, सेक्सी लग रही है वो भी। बस ऑलमोस्ट भरी चुका, एयर फिल्टर साफ करा हो भाई। यार इस बार स्टीकर के कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं थे, तो आज ही हम उतार देंगे होपफुली। देखते हैं वहाँ दूसरा कुछ एक्सेस मिलेगा तो वो लगवा लेंगे आज। कुछ बढ़िया लगवाएंगे, ये बढ़िया नहीं लग रहा, ये जुगाड़ लग रहा बस। जो भी है ठीक है, एयर फिल्टर साफ हो चुका है, इंजन ऑयल चेंज हो चुका है, सर्विस ऑल डन। चलते हैं घर, बताते हैं आपको क्या क्या चेंजेस हुए हैं और कोई फील डिफरेंस हो रहा है चलाने के बाद। तो वॉशिंग इनने पेंडिंग कर दी, हम लेट आए थे तो वॉशिंग वाला क्लोज हो चुका, तो वॉशिंग नहीं हो पाई आज हमारी। तो बेस्ट एवरीथिंग एल्स इज डन। इस करा के वी केम बैक और साइड वाला स्टिकर है जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। गुड़गांव में ज़्यादा ऑप्शन भी मिलते नहीं हैं, तो हम इसको हटवा के इक्का लगवा रहे हैं। क्या इसकी जगह क्रोम पे इक्का ब्लैक सही लगता, अभी वही प्रिंट हो रहा। चलो दिखाते हैं आपको। और गाइस तो मैं आपको बताऊंगा कि कितना हमारा टोटल में खर्चा आया, खर्चा और एक्सपीरियंस कैसा रहा। फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन इज कि वहाँ पे रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर के अंदर वीडियोग्राफी नहीं करने देते, जो कस्टमर्स के लिए एरिया था मैं वहीं से जितना रिकॉर्ड पर कर पाया उतना रिकॉर्ड कर रहा था।
ओवरऑल एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था, मतलब काफ़ी अच्छा भी नहीं कहेंगे, मतलब इट वॉज डिसेंटली, मतलब डिसेंट, नथिंग टू कंप्लेन। और अब मैं आपको टोटल में बताता हूँ, हम थोड़ा पहुँचते लेट हो गए थे, 5:50 तक हम पहुँच रहे थे और वो कह रहे थे कि वॉशिंग वाला 6 बजे बंद हो जाता, जो कि एक मेजर बहाना है जो कि आप रॉयल एनफील्ड शोरूम में एक्सपीरियंस करेंगे खुद भी, कि वॉशिंग वो मेरे दोस्तों पे और पे भी बुलेट है, सब मेरे को यही बताते हैं कि वॉशिंग करने से वो नकारते ही हैं, कह देते हैं लिख के दे देंगे। मेरे दोस्त है जो काफ़ी सालों से बुलेट ओन कर रहे हैं, किसी ने आपने वॉशिंग करा ही नहीं पाए कि वहाँ बिजी है कभी कुछ है, उनने हमें भी लिख के दे दिया, हमारे बाइक की वॉशिंग नहीं करी। नेवरदलेस इट वॉज रेनिंग इन द इवनिंग, शाम को बारिश भी हो रही थी, वैसे भी कोई फ़र्क इतना पड़ता नहीं है अगर बुलवा के भी लाते उसे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जाके हमें टाइम लगा होगा ज़्यादातर 40-45 मिनट, लाते ही उन्होंने बाइक चढ़ाई रैक पे, काम चालू कर दिया। दे वर डूइंग एवरीथिंग प्रोफेशनली, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस किस मामले में अच्छा था। अब मैं आपको बिल का इनवॉइस बता देता हूँ। इनने ऑयल सर्विस किट लगाई है 145 रुपये की, चेन ल्यूब एंड चेन क्लीनर किट 500 ml लिखी है 231 रुपये की, 231 रुपीस, और सेमी सिंथेटिक इनने इंजन ऑयल डाला है जो कि डला है, क्वांटिटी 2.3 लिखा है, तो आई एम अज्यूमिंग 2 लीटर्स एंड 300 एमएल्स, तो वो है अपना 897 रुपीस का। टोटल इंक्लूडिंग हमने जो वहाँ पे किए वो है 1273 रुपीस, क्योंकि लेबर फ्री थी, फर्स्ट सर्विस थी, तो ये हमारा टोटल अमाउंट है। बाइक 500 से 800 चली होनी चाहिए, टेक्निकली तो हमारी 900 चल गई थी, लेकिन मैंने उसे बोलिए लिख दिए 800, उसने लिख दी 800, हमारी गलती थी, आई एक्सेप्ट दैट, लेकिन उतना तो चलता है, चलो। तो 1273 रुपीज इज व्हाट वी गिव देयर, और ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, मतलब अगर वो बाइक धो के भी दे देते तो थोड़ा सही रहता, 40-45 मिनट का टाइम था जो उन्होंने टोटल में लिया, इससे ज़्यादा टाइम तो हमें साइलेंसर खुलवाने में लग गया था। उस छोटू ने हमारे, आपको वीडियो में दिख नहीं रहा क्योंकि 2 सेकंड की हमने, 2-4 मिनट की, 2 मिनट की भी हाइडली क्लिप डाली होगी, लेकिन हम वहाँ 1.5 घंटे खड़े थे, उससे खुल के लग नहीं रहा था, क्योंकि BS6 का जो बैंड आता है ना, वो बैंड का गोलाई बहुत पतली होती है, स्टॉक साइलेंसर के अंदर वो ना एक बूस्ट टाइप लगा देते हैं जिससे वो फिट हो जाए। अब हमारा सी बैंड के साथ हमने लगाया तो फिर वो उसमें फिट नहीं हो रहा था, क्योंकि वो सी बैंड की चौड़ाई ज़्यादा होती है उससे, फिर उसका बूस्ट उखड़वाया, अब दुकान वाला कह रहा साइलेंसर खराब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमने उखड़वाया, फिट करवाया, फिर गए 1.25 घंटा तो हमारा साइलेंसर बदलने बदलने में लगा, जो कि 2-3 मिनट का काम, मतलब हार्डली 5-7 मिनट का, 10 मिनट का काम होता। अब वो छोटू भी इनएक्सपीरियंस था, नया था, मैं क्या बोलूँ उससे भी, उसके उस्ताद जी को भी उतना ही पता था हम क्या करें, एक पक्का मैकेनिक ढूंढना पड़ेगा हमें। तो ओवरऑल ये एक्सपीरियंस था हमारा फर्स्ट सर्विस का। फर्स्ट सर्विस के बाद मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ तो बाइक स्मूथ चल रही है, बेटर पिकअप एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, मतलब मैं पिछले 2-3 दिन से एक्सपीरियंस कर रहा था कि बाइक हल्की सी लैग कर रही है, उसकी आवाज़ चेंज हो रही है, जो कि अब वापस ठीक हो गया, बाइक पहले से बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है, ओवरऑल बेटर फुटेज, मतलब बेटर ओवरऑल आपको फील एंड फीडबैक दे रही है, ब्रेक्स भी उन्होंने टाइट कर दिए थे, ओवरऑल मच स्टेबल लग रही है, कोई इश्यूज अब तक रहे नहीं है बाइक के साथ, नथिंग टू कंप्लेन, रॉयल एनफील्ड इज मेकिंग डेफिनेटली अ ग्रेट प्रोडक्ट। जब तक ये वाला इंजन आ रहा है मैं तो कहूँगा आप ये वाला इंजन लिए, और जो लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लेंगे जल्द से जल्द, मुझे पता है ये वाला इंजन ये बंद कर देंगे, रीबॉर्न जो क्लासिक 350 रीबॉर्न आती है वो वाला इंजन इसमें दे देंगे विदाउट किक, मैंने वो भी चला के देखी, इट डज नॉट हैव, ऑब्वियसली इज मच स्मूदर इंजन बट डज नॉट हैव द ऑथेंटिक फील लाइक, क्योंकि मानो ना मानो थर्ड जनरेशन इंजन हो जाता है, ये अब तक सेकेंड वाला है जो बचा हुआ है। तो यही था ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग वाज गुड। तो यही है 30 की एवरेज है फिलहाल, देखते हैं अगर बेटर इंप्रूव होती है कि नहीं, ऊपर से अभी हम अगले हफ्ते पॉसिबली अलॉय चेंज करने वाले हैं, पीछे का 18 का लगाने वाले हैं और टायर मोटा करने वाले हैं, तो देखते हैं अगर बढ़ती भी है तो कहीं ना कहीं रिकम्पनसेट हो ही जाएगी क्योंकि चौड़ा टायर लगा रहे हैं, देखते हैं अगर कोई फर्क पड़ेगा पावर परफॉर्मेंस या माइलेज में उस टायर से, ओवरऑल स्टेबिलिटी में तो डेफिनेटली पड़ेगा। तो आई कीप यू गाइस अपडेटेड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, एंड आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आपको जेन्युइनली हमारा कॉन्टेंट अच्छा लगता है देन ओनली सब्सक्राइब टू द चैनल, वी डोंट टू द चैनल, वी डोंट वॉन्ट एनी बॉट फॉलोअर्स हियर, सो इफ यू डू एक्चुअली लाइक द कॉन्टेंट यू कुड
क्लिक ऑन द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मेक श्योर टू लीव योर कमेंट्स कि मेरे को अगला क्या कराना चाहिए आपके ओपिनियन में। मेरे पास तो लिस्ट है, मैं तो बनाता ही रहूँगा। चलो, थैंक यू वेरी मच, पीस आउट, बाय बाय।